आपने क्या ये नहीं सोचा कि आर्टिकल 19 को आपको नहीं करना चाहिए रिवाइज? वहां पे आपको बात करने की तो इजाजत है, मगर सिर्फ घर वालों के ऊपर। ना आप अदलिया पे बात कर सकते हैं, ना आप फौज पे बात कर सकते हैं। जो आज मरकज बना हुआ है पाकिस्तान की सियासत, हम रोज करप्शन की बात सुनते हैं, हमारे कान पक गए हैं, करप्शन करप्शन करप्शन। मैं यकीन के साथ आपको कह सकती हूँ कि आज इतने सारे दर्जनों चैनलों में भी एक भी प्रोग्राम नहीं हो सकता साबिक जनरलों की करप्शन, वो तो बहुत दूर की बात। क्या आप नेशनल असेंबली में एक सवाल कर सकते हैं कि आपका डिफेंस बजट कितना है? मुकम्मल वीडियो देखने से कबल आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और Twitter पर हमें फॉलो करें ताकि मुस्तकबिल में अहम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप आगाह रहें। मेरा ख्याल है कि आज जो बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने कही उसके ऊपर कुछ गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हालात बड़े खराब होते हैं तो अच्छी सहाफत होती है। देखिए, ये हालात खराब तो हम बड़े अरसे से देख रहे हैं। यहाँ पे लोग गोलियां खा के, कोड़े खा के और अपनी नौकरियां गवा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, मगर अब ऐसे हालात हो गए हैं कि एक जमाने में जब हमारे पास पेन होता था वो भी छीन लिया गया है, जो कैमरा होता था वो भी छीन लिया गया है। यानी रूल्स ऑफ द गेम इस जंग के आपने बनाए हैं और उसके तहत हमने निहत्ते लड़ना है। तो इस मुश्किल वक्त में आज सहाफत आ चुकी है, जिसका मेरी वालदा हमेशा ये आपने उनका जिक्र किया और आप उनको याद करते हैं। आप उनको क्यों याद करते हैं आज इतना? इसलिए याद करते हैं कि आज वो साफ आवाज नहीं मिलती। आज जब सिडिशन के मुकदमे बनते हैं सहाफियों के ऊपर, तो उनको ढूंढा जाता है कि कौन जाके अदालत में उन सहाफियों को प्रोटेक्ट करेगा। हामिद मीर साहब ने आर्टिकल 19 की बात की। हमारे साथ, हमारी जद्दोजहद में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रजा रवानी साथ रहे, मगर जब आपने 18वीं तरमीम बनाई तो आज पूछना बिल्कुल एक दुरुस्त है कि जी 18वीं तरमीम बनाते वक्त आपने क्या ये नहीं सोचा कि आर्टिकल 19 को आपको नहीं करना चाहिए रिवाइज? वहां पे आपको बात करने की तो इजाजत है, मगर सिर्फ घर वालों के ऊपर। ना आप अदलिया पे बात कर सकते हैं, ना आप फौज पे बात कर सकते हैं। जो आज मरकज बना हुआ है पाकिस्तान की सियासत, हम रोज करप्शन की बात सुनते हैं, हमारे कान पक गए हैं, करप्शन करप्शन करप्शन। मैं यकीन के साथ आपको कह सकती हूँ कि आज इतने सारे दर्जनों चैनलों में भी एक भी प्रोग्राम नहीं हो सकता साबिक जनरलों की करप्शन, वो तो बहुत दूर की बात। क्या आप नेशनल असेंबली में एक सवाल कर सकते हैं कि आपका डिफेंस बजट कितना है? क्या यहाँ पे हमारे गुजराओं को पता है कि हमारा डिफेंस बजट कितना है? क्या जरूरत है? अगर जरूरत है तो हम कहेंगे हाँ, आजादी इजहारे राय की आज इजाजत है। क्योंकि मैं खवातीन की नुमाइंदगी कर रही हूँ सहाफियों की, मैं ये आपसे सवाल जरूर करूंगी। हमारी ट्रोलिंग होती है और हमें पता है कि कहां से ट्रोलिंग होती है और किस किस्म की ट्रोलिंग होती है। पिछले साल औरत मार्च इसी शहर में किया गया, किसने इजाजत दी कि औरत मार्च के उसी वेन्यू पर लाल मस्जिद वालों को अपना जलसा करने का या अपना प्रोसेशन करने का? किसने इजाजत दी? क्या सोच के ये इजाजत दी? क्या हमें नहीं पता कि आप किस तरीके से यहाँ की जो लिबरल फोर्सेस हैं या जो खवातीन के हक के बारे में बात करना चाह रहे हैं, आप कैसे उनको वजन करना चाह रहे हैं? मेरी वालदा हमेशा यकीन करती थी कि खवातीन के हकूक जमहूरियत से मुंसलिक है। अगर यहाँ पे जमहूरियत पायदार नहीं होगी तो किसी किस्म के कोई हकूक नहीं मिलेंगे, चाहे वो सहाफी हो
चाहे वो खवातीन हो। यहाँ पे एहसन इकबाल साहब भी बैठे हुए हैं, शायद खाकान वासी साहब भी आ गए हैं, आज उनके ऊपर भी सेडिशन के मुकदमे हैं और उसी कानून के तहत हैं जो उन्होंने बनाया। उस वक्त वो हुकूमत में थे और एक वफद गया था, यहाँ पे नकी साहब बैठे हुए हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और उन्होंने कहा कि आप ये पीका का लॉ ना बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली कानून बनते हैं तो वो लोगों की राइट्स को क्रश करने के लिए बनते हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए नहीं बनते हैं। और वही हुआ, जो हमारे सहाफी हैं उनका गला या उनकी जुबानें जो है निकाली जाती हैं इसी कानून के तहत। सेडिशन के मुकदमे आज दर्जनों सहाफियों के खिलाफ, आज भी हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि मतीउल्लाह जान को किसने उठाया, कौन लेके गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो सहाफियों की जद्दोजहद है उसके लिए हमारे अपने बाएं बाजू बहुत हैं, मगर मैं एक इल्तिजा करना चाहती हूँ कि आर्टिकल 19 के ऊपर गौर और फिक्र करें, क्योंकि अगर वही इदारे जो सियासत कर रहे हैं उनके ऊपर तंकीद नहीं हो पाएगी या उनको अकाउंटेबल ठहराया नहीं जा सकेगा, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बहुत शुक्रिया।